लुई और मुई गोदाम से घर जा रहे थे, तभी देखते हैं सामने गुड़िया बत्तकी का घर है। अरे ओ मुई, ऐसा करते हैं ना, गुड़िया का घर आया है, जाते हैं थोड़ा मिलकर आते हैं। अरे अरे, उसकी मम्मी पापा होंगे। अरे नहीं, मैंने पता किया है, इस वक्त वो चले जाते हैं तालाब में खाना ढूंढने के लिए। ऐसी बात है तो चलो, कुछ नाश्ता पानी भी हो जाएगा। गुड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे लफंगो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लुई, तूने तो कहा था यहाँ नाश्ता पानी मिलेगा, ये तो हमें लफंगा कह रही है। अरे ध्यान मत दो, बात इग्नोर करो। अच्छा सुनो गुड़िया, मैं तुझे कुछ खास कहने आया था। क्या कहने आए थे लफंगे, बताओ जरा जल्दी से। अरे यही दरवाजे पे खड़े खड़े बात करेगी क्या? और नहीं तो क्या, मेरी मम्मी ने कहा है किसी लफंगे को घर में नहीं आने देना। अच्छा सुनना, जल्दी बोलो, मुझे काम है। आई लव यू, अब तुम बोलो। बोलती हूँ अभी जाकर तुम्हारे पिताजी से। अरे पगली, वो तो शादी शुदा है, उनसे बोल कर क्या करेगी। तभी पीछे से मोटी आवाज आती है। कौन है गुड़िया? मामा जी देखो, ये दो लफंगे आए हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मुझे आई लव यू कहने के लिए कह रहे हैं। आता हूँ डंडा लेके अभी। अरे लुई भाग यहाँ से, तेरे चक्कर में पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। हाँ हाँ, चल चल निकल यहाँ से जल्दी जल्दी। लुई और मुई घर पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं मम्मी पापा में पहले से ही लड़ाई हो रही है। काम की ना काज की, डेढ़ मन अनाज की, बच्चों को भी नहीं देखती है और घर का काम भी नहीं करती है। आजकल मुझे नुकसान पे नुकसान हो रहा है और ये मेरी बीवी मेरी जान खा रही है। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ मरने। अच्छा तो साथ में थैली लेकर जाना। वो क्यों, थैली किस लिए ले जाऊंगा? अरे अगर इरादा बदल जाए तो आते समय 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। ये लो देखो, ये मेरी बीवी है, कहकर बड़बड़ाते हुए टीकू निकल जाता है घर से। आगे जंगल में निकलता है तो चील सामने आ जाता है। मालिक आज देर हो गई आने में। अरे कोई बात नहीं है चील, तू तो फिर भी मेरा साथ देता है, मेरी बीवी ने तो परेशान करके रखा हुआ है। मालिक एक खबर लाया हूँ आपके लिए। कौन सा खबर लाया है? मालिक पहले मेरी पीठ पे बैठ जाओ, कितनी देर पैदल चलोगे? ठीक है। चील टीकू को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाने लगता है। मालिक जंगल के एक हिस्से में चलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो। चील जंगल के ऐसे हिस्से में लेकर आता है टीकू को, जहाँ ढेर सारे फल लगे थे और अनाज थे। अरे बाप रे, यहाँ तो ढेर सारे फल है, ढेर सारे अनाज है। हाँ मालिक, मैं यहाँ शिकार पकड़ने आया था, मैंने देखा यहाँ पर बहुत फल और सब्जियाँ है, ये जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है, अभी तक लगता है किसी की नजर नहीं पड़ी है, वरना इतने सारे फल लगे नहीं होते। अरे हाँ, ये तो आज तूने दिमाग वाली बात कही है, ये जंगल तो पूरा मालदार लग रहा है। ऐसा करते हैं, यहीं पर अपना नया घर बना लेते हैं और हम किसी और पंछी को यहाँ बसने नहीं देंगे। ठीक है मालिक, बना देता हूँ एक घर, पेड़ों पर ही बना देता हूँ। ठीक है, तू तो है ही, तुम्हारी पीठ पर चढ़कर उतर आएंगे और चढ़ जाएंगे। हाँ मालिक। टीकू उस जंगल में पेड़ पर एक बड़ा अच्छा घर बनाता है, फिर अपनी पत्नी और लुई मुई को लेकर रहने लगता है। जंगल का कोई भी पक्षी अगर वहाँ आता तो टीकू उसे बसने नहीं देता और उनके घोंसलों को चील से कहवा कर पहले ही तुड़वा देता। अरे ओ हरी काकी, क्यों आई है यहाँ? यहाँ नहीं बसना है तुझे? अरे तू कल मुहा, मुझे यहाँ नहीं बसने देगा? देख कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, मैं खाऊंगी। अरे ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्ति है, मैंने पहले इसे देखा था। अरे
जंगल में ये नियम कब से चलने लगा कि तूने देखा था मैंने देखा, जंगल तो सबका है, तू कब से इंसान बन गया है, इंसानों की तरह बात कर रहा है। अरे ओ काकी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, मेरा चील बहुत भूखा है। चील, ये बड़ा चपड़ चपड़ कर रही है, मेरा दिमाग खा रही है, जरा इससे पूछ तो। हाँ मालिक। हरी काकी, तुम्हें कहाँ से खाना शुरू करूँ, कहाँ से खाना पसंद करोगी तुम? अरे मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझे हाय लगी ये टीकू, तूने मुझे यहाँ बसने नहीं दिया, कितने सारे फल थे, कितने प्यारे प्यारे फल थे, कह के हरी काकी वहाँ से उड़ जाती है। एक शाम टीकू का परिवार दुकान पर ही था, तब वहाँ एक चिड़िया आती है और चिड़िया अपना घोंसला तैयार कर लेती है। जब टीकू शाम को वापस आता है, अरे चील, ये घोंसला किसने बना लिया, चलो तो चल कर देखे कौन है अंदर में। टीकू और चील पहुंचते हैं तो वहाँ टुनटुनी चिड़िया थी। अरे टुनटुनी, तू यहाँ कैसे आ गई? अरे आप टीकू भैया, ये घर आपका ही है? हाँ, मुझे भी लग रहा था इस जगह में दूसरा घर किसका है, बड़ा अच्छा घर बनाया है आपने। अच्छा बनाया है कि बच्ची, तू यहाँ क्यों आ गई, तुझे इस यहाँ किसने बुलाया? ये मेरी संपत्ति है, जंगल का ये हिस्सा मेरा है, यहाँ कोई और नहीं बस सकता है, तू निकल यहाँ से वरना घर तेरा तोड़ फोड़ दूंगा। टुनटुनी समझ गई टीकू की बात। टीकू को थोड़ी देर के लिए चुप कराने के लिए टुनटुनी ने कहा, अरे भैया मैं बस आज रात ही रहूंगी, कल चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है, बस आज रात, कल खाली चाहिए मुझे ये। हाँ भैया मैं चली जाऊंगी। अगले दिन बच्चों को छोड़कर टीकू और टीकू की पत्नी बाजार जाते हैं। लुई और मुई घर पर ही थे, तभी पेड़ पर सांप चढ़ने लगते हैं। बच्चे घर में अकेले थे, चिड़िया ने सांप को चढ़ते हुए देखा। अरे ये तो लुई और मुई को खा जाएंगे, ये सांप तो बहुत बड़े हैं, इनका उपाय करना होगा। चिड़िया ने चोंच मारना शुरू कर दिया उन सांपों को। तब तक लुई और मुई भी बाहर निकल आए थे। अरे बाप रे लुई, ये तो बड़े बड़े सांप है। हाँ मुई, देखो ना, ये तो हमें खा जाएंगे, ये तो टुनटुनी चाची है जो मार मार कर भगा रही है। आखिरकार सांप छोड़कर भाग जाता है बच्चों को। जब टीकू और उसकी पत्नी बाजार से वापस आते हैं तो लुई और मुई सारी बातें बताते हैं। देखो जी, मैं तो यही कहूँगी कि टुनटुनी को यही रहने दो, टुनटुनी को मत भगाओ, तुम इतनी लालची मत बनो, बिना पड़ोसियों के रहना भी अच्छी बात नहीं है, मुसीबत आने पर कम से कम ये हमारी मदद तो करते हैं। ठीक है, लेकिन टुनटुनी को भाड़ा लगेगा। अरे कंजूस मक्खी चूस, कुछ तो समझा करो, टुनटुनी का धन्यवाद करो कि उसने हमारे बच्चों को बचाया है, भाड़े के चक्कर में मत पड़ो वरना कहीं के नहीं रहोगे। हाँ पिताजी, आप टुनटुनी काकी को यहीं रहने दो। हाँ हाँ पिताजी, उसने हमें सांपों से बचाया वरना हम तो मारे ही जाते। अरे नलायको, तुम लोग वैसे भी किसी काम के नहीं हो। बड़बड़ाता हुआ टीकू निकल जाता है, लेकिन टुनटुनी को वहाँ रहने देता है।